करोड़ों अरबों रुपए के जानवर क्यों काटने थे, ये गरीबों को दे दो, तुम अपने बच्चों की शादी में जो खर्चे करते हो दे दो ना गरीबों को, ये 5-5 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख का मोबाइल लेके घूमते हो ना, 5,000 वाला मोबाइल लो ना, बाकी गरीबों को दे दो ना, तो कोई देता नहीं है। ये बंगला कोठी छोड़ो, इसको फ्लैट ले लो या क्वार्टर ले लो, कहीं सर्च बन के लिए जगह चाहिए ना। बाकी ये करोड़ों रुपए जो आपने खर्च किए डेकोरेशन मकान पर, ये गरीबों को दो ना। अल्लाह पाक ने जिस कुर्बानी को वाजिब किया उस पर तुम्हारी मेली नजर है। हज पर अरबों खरबों रुपए खर्च होते, वह खर्चा गरीबों के साथ, कि मतलब दीन के लिए जो खर्चा हो तो गरीब याद आते हैं। जश्न विलादत पर जो खर्चा करे गरीब याद आएंगे, न्याज खिलाओ तो गरीब याद आएंगे, ये गरीबों को दे दो न्याज खिलाते हो इतनी रकम का, तो ये 25-25 डिशें जो शादियों में करते हो करोड़ों रुपए की डिशें, ये खिलाओ ना गरीबों को। तो हम भी बोलते हैं यार इसमें थोड़ा गरीबों का हिस्सा निकाल दो, ये कोई शादी में इतनी डिशें और इतना फेंकते हैं गिराते हैं, इतने कीमती हाल और इतनी लाइटिंग और 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख का तो कपड़े का जोड़ा पहनते होंगे शादी का, ये दोनों गरीबों को, तब गरीब कोई याद नहीं आता। हम न्याज की देग चढ़ाए 5,000 रुपए की तो गरीब याद आ जाता है। कुर्बानी वाजिब है, करनी ही पड़ेगी, वो इसके सिवा चारा ही नहीं है। इस पर वाजिब गुनाहगार होगा, ये हमारी कसौटी है, जो अल्लाह और रसूल का हुक्म हुआ लब्बैक के सिवा चारा नहीं, अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख।